हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले जान लेते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं, फिर उसके बाद इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उसको बताएंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्टकट में इसको एपी भी बोलते हैं, क्या होता है? इट इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कॉन्स्टेंट। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसको बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ नंबर। सीक्वेंस का मतलब सीरीज होता है, किसी नंबर का सीरीज हो, सच दैट इस प्रकार हो कि डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कॉन्स्टेंट। कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार होता है, तो मतलब दो लगातार टर्म्स के बीच का जो है सो डिफरेंस क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। और इसी कॉन्स्टेंट डिफरेंस को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। दिस कॉन्स्टेंट नंबर इज नोन एज कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। डी हमारा कॉमन डिफरेंस, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, कभी कभी जीरो भी हो सकता है। कुछ एग्जाम्पल है जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, और आगे चलेगा। तो यहां देखिए, दो लगातार डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। वन हमारा पहला टर्म हो गया और टू सेकेंड टर्म हो गया, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, वन आ रहा है। फिर देखिए दूसरा और तीसरा, दोनों के बीच का डिफरेंस वन आ रहा है। फिर आगे बढ़िए, दोनों के बीच का डिफरेंस वन, उसी तरीके से आगे भी वन ही आने वाला है। तो वन 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 सब में सेम, इसीलिए इसका नाम पड़ा कॉमन डिफरेंस। और ये देखिए, इसमें पॉजिटिव आ रहा है, वन 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 आ रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है। अगला में देखते हैं 100 और 70, इसका दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो क्या आएगा, 70 माइनस 100, तो -30 आएगा। फिर 40 माइनस 70, यहाँ भी आएगा -30। फिर 10 माइनस 40, -30 आने वाला है। यहाँ देखिए निगेटिव, हमने बोला था ये निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस डी का जो वैल्यू है -30 आया। नीचे में देखिए -2 -3 की जगह क्या आएगा, -2 -3 करेंगे +1 आएगा। फिर -1 -2 करेंगे, ये भी +1 ही आएगा। फिर 0 -1 करेंगे, +1 ही आएगा। यहां पर कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, +1 आ रहा है। दो कंसेक्यूटिव टर्म्स, ये पहला ये दूसरा, इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही तो हमारा कॉमन डिफरेंस है। फिर नीचे में 1.0 और -1.0 और -1.5 का डिफरेंस निकालिए, क्या आने वाला है, 1.5 माइनस में और माइनस में -1.0। एक माइनस तो इसको माइनस करना, और एक माइनस यहाँ पहले से क्या हो जाएगा, 1.5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 1.5 माइनस में तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ से -0.5 मिलेगा, तो ये हमारा हो जाएगा -0.5, दोनों के बीच का डिफरेंस। इसमें भी अगर करेंगे हम 2 माइनस 1.5 करेंगे तो मिलेगा -0.5। उसी तरीके से यहां मिल जाएगा हमें क्या, -0.5। तो ये रहा मेरा कॉमन डिफरेंस। अब देखिए, मान लेते हैं कि लेट वी डिनोट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी बाय A1। कोई एपी मान लेते हैं जिसका फर्स्ट टर्म A1 है, सेकेंड टर्म A2 है, और उसके बाद चलते चलते nth टर्म हो गया, nth तक जाएगा। nth टर्म क्या हो जाएगा, an एंड द कॉमन डिफरेंस d। हमने कोई एक एपी मान लिया जिसका फर्स्ट टर्म A1, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3 एंड सो ऑन, लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, an हो जाएगा, और उसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। देन द एपी, तब एपी हमें क्या मिलेगा, A1, A2, A3... मिलेगा। चूंकि हमने फर्स्ट टर्म A1 माना, सेकेंड टर्म A2 माना, उसी तरीके से थर्ड A3 हो जाएगा, फोर्थ A4 आएगा, चलते चलते लास्ट टर्म हमारा क्या आ जाएगा, an आ जाएगा। तब हमारा एपी क्या मिलेगा, A1, A2, A3 एंड सो ऑन an। अब देखिए यहां से A2 माइनस A1,
क्या दे रहा है, कॉमन डिफरेंस डी। ए टू माइनस ए वन करेंगे तो डी मिलेगा, फिर ए थ्री माइनस ए टू करेंगे फिर भी डी मिलेगा, उसी तरीके से आगे चलते जाएंगे तो यहाँ भी कॉमन डिफरेंस डी ही आएगा। तो वही यहाँ लिखे हैं ए टू माइनस ए वन इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू, चूँकि कॉमन डिफरेंस डी सब में बराबर होगा, वही होगा, कॉमन का मतलब कॉमन हो गया ना, यहाँ जो आएगा वही यहाँ आएगा वही यहाँ आएगा, तो ए टू माइनस ए वन इक्वल टू हो जाएगा ए थ्री माइनस ए टू इक्वल टू ए एन माइनस वन इक्वल टू डी हो जाएगा। जैसे एग्जांपल समझते हैं, जैसे 147 कॉमा 148 कॉमा 149, यहाँ देखिए 148 माइनस 147 क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, कॉमन डिफरेंस हो गया, और यहाँ भी 1 ही आ रहा है, 149 माइनस 148, उसी तरीके से आगे भी क्या आएगा, 1 ही कॉमन डिफरेंस आएगा। 850 माइनस 900, माइनस का 50 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस यहाँ माइनस 50 आ रहा है। यहाँ देखिए 800 माइनस 850, यहाँ भी माइनस 50 आ रहा है, आगे भी माइनस 50 आएगा, तो क्या हो जाएगा, इस सीरीज का, इस एपी का कॉमन डिफरेंस माइनस 50 आ गया। अब देखिए यहाँ तक समझ में आ गया, तो आगे यहाँ देखिए ए वन कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस टू डी कॉमा ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन, इसको हम बोलते हैं क्या, इट रिप्रेजेंट्स एन एपी, ये एक एपी को दिखाता है, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस टू डी कॉमा ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन ए प्लस फोर डी ए प्लस फाइव डी, ये एक एपी को रिप्रेजेंट करता है, जहां पर इसका फर्स्ट टर्म हमारा ए होता है, ये हमारा ये फर्स्ट टर्म होता है, और ये जो आप डी देख रहे हैं, डी हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, ये एक जनरल टर्म है, इसको आप याद रखिए, और इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, ये किसी एपी का जनरल फॉर्म है, ये आप याद रखिए, प्रॉब्लम करने में आसान होगा। ए एक ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस टू डी कॉमा ए प्लस थ्री डी। तो देखिए nth टर्म ऑफ एन एपी, अभी हमने पढ़ा जनरल टर्म, जनरल टर्म क्या पढ़ा, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस टू डी डॉट डॉट डॉट, इसको आप याद रखिए। अब यहाँ देखिए nth टर्म ऑफ एन एपी, यहाँ ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस टू डी आगे तक जा रहा, कहाँ तक जा रहा पता नहीं है। एपी में एक चीज़ और होता है, एपी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एपी एक फिनाइट एपी एक इनफिनाइट एपी, अगर जिसका लास्ट टर्म मालूम होगा वो फिनाइट एपी होगा, और जिसका लास्ट टर्म नहीं दिया होगा वो हमारा इनफिनाइट एपी होगा, सिंपल सा बात है। अब यहाँ देखिए ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस टू डी डॉट डॉट डॉट, आगे तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा, आगे आगे कोई टर्म नहीं दिया, इसका मतलब ये इन्फिनाइट एपी है। अगर हम इसमें बोल देते हैं 1, 2, 3 डॉट 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 डॉट, यहाँ दे देते हैं 20, तो लास्ट टर्म हमारा क्या है 20 है, तो 20 दे दिया लास्ट टर्म, इसका मतलब ये फिक्स हो गया, इसमें टर्म नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गया, फिक्स हो गया, तो ये हमारा फिनाइट एपी कहलाएगा। अब देखिए हम nth टर्म ऑफ एन एपी, कोई एपी दिया होगा, मान लेते हैं 2, 4, 6, 8 डॉट 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 डॉट, यहाँ पर लास्ट में जो है सो मान लेते हैं 20 टर्म्स है इसमें, इसमें कितना है 2, 4, 6, 8, ये कहाँ तक जाएगा, 20 टर्म्स है, 20 टर्म्स हैं, तो 20 टर्म्स पर कौन सा नंबर आएगा, यानी nth टर्म 20 टर्म्स पर कौन सा नंबर आएगा, उसी को हमें निकालना है। तो उसके लिए पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, मान लेते हैं लेट ए वन बी द फर्स्ट टर्म, ए वन बी द फर्स्ट टर्म, या ए ही रहने दीजिए, ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी विथ कॉमन डिफरेंस डी, कॉमन डिफरेंस क्या है डी, मान लिए कोई एक हमारा एपी है जिसका फर्स्ट टर्म हमारा ए है,
कॉमन डिफरेंस डी है, तो क्या हम लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म दिया है एपी का, फर्स्ट टर्म ए दिया है, सेकेंड टर्म निकालिए क्या निकलेगा, जनरल फॉर्मूला से फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा ए में डी ऐड कर देंगे तो ए प्लस डी हो गया। उसी तरीके से आप थर्ड टर्म निकाल सकते हैं ए प्लस टू डी, उसी तरीके से फोर्थ टर्म आप निकाल सकते हैं ए प्लस थ्री डी, आप उसी तरीके से फिफ्थ निकाल सकते हैं, सिक्स्थ निकाल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। हमें चाहिए क्या, एंथ टर्म चाहिए, तो यहां लिखिए एंथ टर्म, तो एंथ टर्म हमारा क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कैसे, यहां देखिए फर्स्ट टर्म हमारा ए है, सेकेंड की बात करें तो ए प्लस वन डी कह सकते हैं, सिर्फ डी लिखा है तो डी को हम वन इंटू डी बोल सकते हैं, तो ए प्लस वन डी, वन इंटू डी, वन इंटू डी बोल सकते हैं। अब थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं तो ए प्लस टू डी, यहां देखिए थर्ड थ्री की बात कर रहे हैं तो यहां टू आ रहा है, यहां सेकेंड की बात कर रहे हैं तो वन आ रहा था, यहां फिर फोर्थ की अगर हम बात करें तो थ्री आ रहा है, थ्री डी आ रहा है। अब उसी तरीके से फिफ्थ की बात करेंगे तो यहां फोर डी आएगा। उसी तरीके से अगर हम एंथ टर्म की बात करेंगे तो एन से जो पहले होगा वो इंटू डी होगा, एन से पहले क्या होगा एन माइनस वन होगा। अगर एन मान लेते हैं 50 है तो यहां हम क्या लिखेंगे 49d लिखेंगे, 50 अगर होगा तो 49d लिखना पड़ेगा, तो यहां n है तो n माइनस 1d, तो यही आपका क्या हो जाएगा लास्ट टर्म हो जाएगा an, nth टर्म मान लेते हैं an होगा तो an क्या हो जाएगा फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहां पर a आपका क्या है फर्स्ट टर्म, first फर्स्ट टर्म, और d आपका क्या है कॉमन डिफरेंस, a फर्स्ट टर्म d कॉमन डिफरेंस। ये फॉर्मूला आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसी से आपका एक्सरसाइज बनने वाला है। an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहां पर a फर्स्ट टर्म होगा और d हमारा कॉमन डिफरेंस होगा।